इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल चैनल इन खबर। आज हम आपको अमिताभ बच्चन से जुड़ी 10 ऐसी बातों के बारे में बताएंगे जो शायद ही किसी को मालूम होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम पहली बात से। शायद ही ज्यादा लोगों को पता होगा कि अमिताभ बच्चन का नाम इनकलाब रखा गया था। हालांकि साथी कवि सुमित्रा नंदन पंत की सलाह पर हरवंश राय बच्चन ने उनका नाम बदलकर अमिताभ बच्चन कर दिया था। अमिताभ दाएं और बाएं हाथ से बराबरी से और आसानी से लिख सकते हैं। जी हां, अमिताभ भी बिल्कुल थ्री इडियट के बोमन ईरानी के किरदार के समान ही दोनों हाथों से एक साथ लिख सकते हैं। अमिताभ बच्चन को पेन जमा करने का एक अनोखा शौक है और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अमिताभ बच्चन के पास लगभग 1000 से अधिक पेन है। अमिताभ को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला शब्द बॉलीवुड पसंद नहीं है, क्योंकि यह नाम हॉलीवुड से मिलता जुलता है और हॉलीवुड पर आधारित है। अमिताभ बच्चन के पास 160 करोड़ से अधिक कीमत वाले दो बंगले हैं, जी हाँ, जिनका नाम जलसा और प्रतीक्षा है। फिलहाल तो अमिताभ बच्चन और बाकी परिवार जलसा में ही रहते हैं। शायद ही अधिक लोगों को पता होगा कि अमिताभ ने साल 2002 में एक किताब लिखी थी जिसका नाम था सोल करी फॉर यू एंड मी। अमिताभ बच्चन ऐसे पहले एशियाई हैं जिनका लंदन में मैडम टुसाद म्यूजियम में मोम की प्रतिमा स्थापित की गई थी। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अमिताभ बच्चन को बिग बी कहा जाता है, पर शायद ही किसी को मालूम हो कि 90 के दशक में आखिरी में मृत्युदाता फिल्म से अपने कमबैक के बाद उन्हें बिग बी कहा जाने लगा था। अमिताभ बच्चन ने अपना डेब्यू साथ हिंदुस्तानी से किया। यह उनकी इकलौती ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म थी और इस फिल्म के लिए उन्हें 1000 रुपए मिले थे। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि अमिताभ बच्चन को फिल्मों में काम करने का शौक नहीं था, बल्कि वो भारतीय वायुसेना में शामिल होना चाहते थे, पर ऐसा हो न सका और वो किसी तरह बॉलीवुड में आ पहुंचे।